दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान और आपको मैं दिखाने वाला हूं कि आप हिंदी को कैसे तेजी से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब दोस्तों ये वीडियो आपको उतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सेक्शन में पर्टिकुलर हिंदी टाइप करना चाहते हैं तब आपके लिए वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप की जो प्रेस करेंगे वो इंग्लिश के ही करेंगे। जैसे अगर आपको क्या लिखना है तो आपको टाइप करना होगा क्या, और ये जो है इसका मीनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर हिंदी में आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसमें हम यूज करेंगे गूगल इनपुट टूल्स को। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये किस तरह से किया जाता है। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले गूगल इनपुट टूल्स और उसके बाद फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक कर देंगे। तो गूगल इनपुट टूल यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ऊपर देख सकते हैं आप कि आप जिस भी ओएस मतलब जैसे मैक पे या विंडोज पे चलाना चाहते हैं तो आप उसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विंडोज क्लिक कर लिया और यहाँ पर जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है इसमें से हम अपनी मनपसंद लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे मुझे हिंदी का करना है तो मैंने हिंदी चुन ली। तो उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी सिलेक्ट नहीं की थी। देखिए यहाँ पर वो एरर शो कर देगा, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसे डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जिससे ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो ये दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है मेरे उसमें। तो ये अब देखिए यहाँ जो नीचे इंग्लिश EN जहाँ लिख के आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने चेंज किया, अब मैं यहाँ जब टाइप करूंगा तो जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम, तो मैं यहाँ स्पेस क्लिक करके सीधे सीधे फटाफट लिखता चला जा रहा हूँ मेरा नाम अब्दुलरहमान है। और उसके बाद ऐसे ही आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें, जैसे हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या फारसी या अरबी या जिस भी लैंग्वेज चाहे आप वहां से उसे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है यहाँ से EN से जो है वो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है इसको। तो आप जो ऊपर गूगल यहाँ ABC ये लिख के दिखाई दे रहा है वहां से आप इसको इसकी सेटिंग्स में जाके, जैसे यहाँ प्रॉब्लम इस समय बार बार आ रही है चेंज करने में, तो आप स्विच पे क्लिक करके लैंग्वेज को यहाँ से स्विच कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज को स्विच करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और स्विच पर पर्शियन सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ जो भी टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक जो है वो पर्शियन में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।